गौरव ऑटो मोबाइल आपको देता है लाइव स्ट्रीमिंग, फिट पार्ट, स्पेयर पार्ट 100% गारंटी के साथ, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट टूल एंड एक्सपर्ट टीम आपकी वाहन की हर जरूरत को ध्यान रखती है। गौरव ऑटो मोबाइल स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज पर 20% तक की छूट, इसके अलावा फ्री सर्विस डिस्काउंट कूपन, वो भी 90 दिनों तक वैध। हमारा पता है चंद्रवंशी नगर मेन रोड, सिंहोड़ी, गिरिडीह, झारखंड। मोबाइल नंबर 7004988523 और 9835938578। तीसरे प्रखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीसरी वीडियो के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला है। यह मार्च तीसरी स्थित गांधी मैदान से निकाला गया, जिसके बाद मार्च ने पूरे तीसरी बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान मार्च में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीसरी वीडियो होश में आओ, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, गली गली में शोर है, तीसरी वीडियो चोर है जैसे कई नारे भी लगाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला मंत्री मनोज यादव ने बताया कि तीसरी के वीडियो मनीष कुमार का काला कारनामा उजागर हुआ है और यही कारण है कि तीसरी प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं और नौजवानों के साथ वीडियो के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का एक ही उद्देश्य है कि गत दिन वीडियो के कक्ष में दलित महिला के साथ जिस प्रकार वीडियो ने दुर्व्यवहार किया, उन्हें जाति सूचक गाली दी एवं घंटों उन्हें कमरे में बंद रखा गया। इसे देखकर हम सभी मर्माहत और आहत हैं। हम सभी झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे वीडियो मनीष कुमार को तत्काल बर्खास्त करें, साथ ही ऐसे वीडियो के खिलाफ महिला उत्पीड़न एवं SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जाए और उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इस दलित महिला को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और आखिरी लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक इस वीडियो की बर्खास्ती नहीं हो और इस पर मुकदमा दर्ज न किया जाए। मौके पर चंदेरी मंडल अध्यक्ष सुनील साव, तीसरी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, भाजपा नेता उपेंद्र साव, पूर्व चंदेरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, नरेश यादव, गोपी रविदास, रेखा देवी सहित दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व महिलाएं उपस्थित है। तीसरी प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज तीसरी वीडियो मनीष कुमार के खिलाफ आज प्रदर्शन किया जा रहा है, महिलाओं के साथ, नौजवान साथियों के साथ और मनरेगा कर्मियों के साथ में। ये प्रदर्शन का एक ही उद्देश्य है कि तीसरी वीडियो मनीष कुमार ने तीसरी के ग्रामीण महिला उसके साथ में जो दुर्व्यवहार किया, उस उनको प्रताड़ित करने का काम किया, एक एक घंटा उनको बंद कमरे में बंद करके रखा, जाति सूचक शब्द का प्रयोग देते हुए भद्दी भद्दी गाली देने का काम किया। इससे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी मर्माहत एवं आहत है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो घटना की निंदा बहुत कम होगी और इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से एवं जिला प्रशासन से मैं यह मांग करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट वीडियो को, ऐसे भ्रष्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार को जिला प्रशासन एवं सरकार अविलंब बर्खास्त करे और इसके ऊपर में महिला उत्पीड़न अधिनियम के तहत में, SC एक्ट के तहत में वीडियो मनीष कुमार के ऊपर में प्राथमिकी दर्ज किया जाए और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। ये मैं सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ और आज मैं सरकार को यह चेतावनी देता हूँ इस प्रदर्शन के माध्यम से कि जब तक दलित महिला को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अंतिम लड़ाई हम लोग लड़ेंगे कि जब तक ये वीडियो की बर्खास्तगी ना हो एवं जब तक इस पर मुकदमा ना हो। इतना